देखिए, अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। पूरा उत्तर भारत गर्मी से जूझ रहा है, लेकिन मौसम का खेल अजब है, क्योंकि उत्तर भारत में जितनी गर्मी है, कश्मीर में उतनी ही सर्दी है, जहां पर बर्फ की मोटी चादर छाई है। और अब सवाल यह है कि क्या मौसम का मिजाज बदल गया है, क्योंकि एक असर हाल में अरब के रेगिस्तान में भी देखने को मिला है, जहां पर पूरा शहर बाढ़ में डूब चुका है। रिपोर्ट देखिए। मौसम का चक्र बदला है या कुदरत का निजाम, जहां उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, वहीं जम्मू के रामबन में भूस्खलन ने हड़कंप मचा दिया है। जो आप ये इलाका देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, ये करीब 2 किलोमीटर एरिया की सड़क खिसक कर नीचे चली गई है। ये जो रोड आप टूटा हुआ देख रहे हैं, ये सड़क जो है, यहाँ से सड़क टूट कर वो नीचे जो आप देख रहे हैं वहां तक सड़क जाकर पहुंची। और पीछे आप देखिए, 400 KVA का यहाँ पर एक रिसीविंग सेंटर था, वहां पर उसके जो यहाँ पर टावर है, टावर का क्या हाल हुआ है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। और यहाँ पर हम जिस जगह खड़े हैं, ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक कोई जा सकता है, क्योंकि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये भी लगातार खिसकता जा रहा है। भूस्खलन से पूरे 1 किलोमीटर के इलाके की जमीन धस गई है, 100 से ज्यादा मकान की नींव हिल गई है। मकानों में आई दरार ने उत्तराखंड के जोशीमठ की याद दिला दी है, जहां जमीन धंसने के बाद सैकड़ों परिवारों को पलायन करना पड़ा था। अब रामबन में हालत कुछ वैसी ही है। हम इस समय रामबन के परनोत में हैं, जहां एक प्राकृतिक आपदा ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जमीन का एक हिस्सा धंसने से करीब 50 घर उसकी जद में आ गए हैं, जिसके बाद यहां पर रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। और परनोत में ही किस तरह से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसको जो DM है रामबन के, वो मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी दिशा निर्देश, ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, वो इसी कैंप ऑफिस से दिए जा रहे हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ, इन तक सामग्री पहुँचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए यहां पर ये अधिकारी जो हैं वो तैनात किए गए हैं, और लगातार यहीं से सारी मॉनिटरिंग हो रही है, सारे दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ये रामबन का वही इलाका है जहां से हर साल अमरनाथ यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार भूस्खलन ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है, ऐसे में रामबन में लैंडस्लाइड की घटना यात्रा पर असर डाल सकती है, क्योंकि यात्रा का काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से उधमपुर, पटनी टॉप से रामबन होते हुए ही अनंतनाग तक जाता है। लेकिन जहां भूस्खलन ने रामबन की दशा बिगाड़ी है, वहीं पूरा उत्तर भारत गर्मी की मार से त्राहिमाम कर रहा है। तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, ये हाल अप्रैल में है। सोचिए मई और जून में क्या होगा। पूरा उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है, तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही हैं। अगर बात करें तो कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार भी चला गया है। दोपहर के समय लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, और साफ तौर से आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से यही अनुमान लगाया गया है कि कई इलाकों में जो पारा है वो 40 डिग्री के पार या फिर 45 डिग्री के आसपास लगातार बना रह सकता है। मौसम विभाग पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है कि इस बार गर्मी प्रचंड पड़ेगी, लेकिन जहां उत्तर भारत के लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं कश्मीर में शनिवार को हुई बर्फबारी ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक समूचे कश्मीर घाटी और लद्दाख के मैदानी इलाकों में भारी बारिशें हो सकती हैं, और साथ ही पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का भी अनुमान किया गया है, जिसके चलते तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उनकी तरफ से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क
रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कम से कम 4 जिलों में हिमस्खलन यानी एवलांच आने का खतरा का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि अन्य इलाकों में बरसाती नालों में फ्लैश फ्लड्स का भी अनुमान लगाया गया है। ये बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि मुगल रोड को यातायात के लिए बंद करना पड़ गया, साथ ही साथ जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाले रास्तों पर भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन सवाल बड़ा है कि अप्रैल में बर्फबारी किस ओर इशारा कर रही है? क्या ये क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि एक तरफ पहाड़ जल रहे हैं तो दूसरी तरफ अरब का रेगिस्तान बाढ़ में बह गया।